नीट पीजी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन शुरू, यूजी परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षाएं 7 अप्रैल से शुरू होंगी और मई महीने अंत तक चलेंगी। परीक्षाओं का शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। पूर्व में जारी परीक्षाओं के संभावित शेड्यूल को लेकर मांगी आपत्तियों के आधार पर आवश्यक बदलाव के बाद फाइनल शेड्यूल तय किया गया है। इन परीक्षाओं में बिना रोल नंबर बैठने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश विश्वविद्यालय की 7 अप्रैल से होने वाली यूजी की वार्षिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थी रोल नंबर लॉगिन आईडी इस्तेमाल कर डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से 1.5 दर्जन से अधिक लघु उद्योग जम्मू पलायन कर गए हैं। वहीं इतने ही बड़े औद्योगिक घरानों से बद्दी के साथ साथ जम्मू में भी समानांतर अपने उद्योग लगा दिए हैं। पड़ोसी केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवा कर पर पूरी तरह छूट दी गई है। इसके अलावा बैंक की ब्याज दर में 3% तक छूट मिल रही है। यही नहीं, 3% कैपिटल सब्सिडी भी मिल रही है। हालांकि ये रिबेट अभी 31 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों को मिलेगी। जम्मू में हिमाचल प्रदेश के मुकाबले जमीन भी बहुत सस्ती है। बीबीएन में 1000 वर्ग मीटर जमीन के दाम 60 से 80 हजार रुपए हैं। इतनी ही जमीन जम्मू में 9 लाख रुपए में आसानी से मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 6 अप्रैल को होने वाली आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के लिए अंतिम रोड मैप पर मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुली जीप में इस तिरंगा यात्रा के दौरान मंडी में रोड शो करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। तिरंगा यात्रा 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल से शुरू होकर चौहट्टा बाजार, गांधी चौक होकर सेरी मंच तक आएगी। विक्टोरिया पुल और सेरी मंच पर केजरीवाल कुछ देर जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे पड्डल में जनसभा करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शेर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर से करीब 200 बसें बुक की गई हैं। केंद्र सरकार की इजाजत के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे बाईपास लोक निर्माण विभाग को सौंप दिए हैं। नेशनल हाईवे को बाईपास कर रही तमाम सड़कों के रखरखाव का काम अब प्रदेश का लोक निर्माण विभाग करेगा। केंद्र सरकार से भी लोक निर्माण विभाग को इन मार्गों के सुधार के लिए बजट मिल गया है। बाईपास का सबसे बड़ा काम कीर्तपुर मनाली नेशनल हाईवे में शुरू होने वाला है। यहां सुंदरनगर से मणिकरण पंडो और नेरचौंग तक मार्ग पर लोक निर्माण विभाग अब मरम्मत कार्य पूरा करेगा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले सीमेंट, सरिया और बिजली के तारों के दाम बढ़ गए। अब बीबीएन और सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने माल भाड़ा बढ़ा दिया है। मंगलवार को हिमाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पौंटा इकोई और सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की बैठक में प्रति किलोमीटर 2 रुपये माल भाड़ा बढ़ाने का संयुक्त रूप से फैसला लिया गया। नया माल भाड़ा 30 मार्च से लागू किया जाएगा। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पास 1350 से अधिक छोटे बड़े मालवाहक वाहन हैं जो पौंटा साहिब में उद्योगों का सारा तैयार माल देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी की विख्यात सिसु झील मार्च के अंत में भी ठोस बर्फ की मोटी चादर से बाहर नहीं निकल पाई है। एक और जहां मैदानी भागों में गर्मी सताने लगी है तो वहीं सिसु अभी भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। सिसु झील पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ से लदी वादियों के दीदार के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी भी सिसु झील के 80% भाग पर बर्फ की परत जमी हुई है। यहाँ सैलानियों के लिए आकर्षण का ये केंद्र बनी हुई है। सैलानी झील के आसपास सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। साथ ही झील किनारे में पड़ी बर्फ के चादर पर खूब अटखेलियां भी कर रहे हैं। हालांकि साहसिक गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली औषधीय फल काफल के पत्तों से बना बाम मस्तिष्क पर लगाने से मानसिक रोग दूर भागेंगे। इसके पत्तों में मौजूद रासायनिक गुण बिना किसी साइड इफेक्ट के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाते हैं। यही नहीं, पत्तों से बना बाम लगाने से बरसों पुराने माइग्रेन की समस्या का निदान भी संभव है। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान एवं शोधकर्ता डॉक्टर तारा सेन ठाकुर ने अपने शोध में इन चमत्कारिक गुणों का खुलासा करते हुए बाम तैयार किया है। काफल के पौधों के चमत्कारिक रासायनिक गुणों को मल्टी डिसिप्लिनरी डिजिटल पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट में प्रकाशित किया जा चुका है।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौरे की छठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा दिशा डोगरा को AVYM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड फाउंडेशन द्वारा हिमाचल में योग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। दिशा डोगरा की उपलब्धियों को देखते हुए राज्य स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसकी सूचना फाउंडेशन के फाउंडर और CEO राकेश भारद्वाज द्वारा दी गई और इसका अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है। AVYM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड एकमात्र ऐसे रिकॉर्ड बुक है जिसमें सिर्फ योगा के ही रिकॉर्ड स्थापित किए जाते हैं। आपको बता दें कि दिशा डोगरा जिला हमीरपुर तहसील सुजानपुर चौरी खींद की रहने वाली है। दिशा डोगरा योगासनों में अब तक 3 विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने JEE इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि 156 पदों को भरने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। हालांकि 2 पद OBC और SC के वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के योग्य अभ्यर्थी न मिलने के चलते रिक्त रह गए हैं। उन्होंने बताया कि 156 पदों के लिए 9,205 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 7,725 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए। 8 अगस्त 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में 5,566 अभ्यर्थियों ने भाग लिया जबकि 2,159 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। लिखित परीक्षा में पास 478 अभ्यर्थियों को 13 से 16 दिसंबर 2021 और 21 मार्च 2022 को 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था। इनमें से 154 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो पाए हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2022 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो मंगलवार को खोल दी गई है। मेडिकल के इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही अपना एप्लीकेशन 2022 जमा करवा दिया है और अब बदलाव और सुधार करना चाहते हैं वे 7 अप्रैल तक ऐसा करने में सक्षम होंगे। छात्रों को एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर लॉग इन करना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 26 अप्रैल को गलत इमेज को सुधारने के लिए फाइनल एडिट विंडो खोलेगा और ये 30 अप्रैल 2022 तक खुली रहेगी। और नीट PG 2022 का आयोजन 21 मई को देश और विदेश के नामित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। एडमिट कार्ड 1 मई को जारी किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ।